नमस्कार, आज हम लोग पहुँचे हैं उमरिया। उमरिया एक बेहद ही खूबसूरत शहर है और इस पर चार चांद लगा दिया है हमारे उमरिया के भूतपूर्व कलेक्टर अभिषेक सिंह ने, जो पूरा का पूरा उमरिया है एकदम लोकमय हो चुका है लोक चित्रकारी की वजह से। आज से करीबन एक साल पहले यहाँ पर विंध्य मैकल उत्सव मनाया गया था, जिस समय एक ऐसी परिकल्पना थी कि पूरे शहर को पेंटिंग से रंग दिया जाए, लोक पेंटिंग से, जो उमरिया के भूतपूर्व कलेक्टर ने साकार किया। तो आज हम देखते हैं पूरे उमरिया को किस तरीके से उन्होंने खूबसूरत किया हुआ है। और हमारे साथ भाई नरेंद्र हैं, और नरेंद्र बताएंगे कि इसकी वजह से क्या एक परिवर्तन आ सकता है, सामाजिक परिवर्तन, और क्या एक परिवर्तन आ सकता है, एक कलात्मक परिवर्तन, और इन सारे के सारे चित्रों में कितनी कहानियाँ छुपी हुई हैं, कितने रहस्य छुपे हुए हैं इन रंगों में। तो हम आज दिखाते हैं सबसे पहले हमारे कलेक्टर बंगले को, जहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी पेंटिंग की, और उसके बाद हम चलते हैं शहर की ओर। ठीक है, तो नरेंद्र भाई हम दिखाते हैं, ये है हम कलेक्टर बंगला, कलेक्टर निवास, जहाँ पर चारों तरफ पेंटिंग वॉल पे हुई है और सारा का सारा जो पेंटिंग है लोक कलाकारों द्वारा किया गया है। तो भाई नरेंद्र से हम बोलेंगे कि भाई नरेंद्र बताइए। सारी पेंटिंग गंगर सिंह श्याम, जो गोल्ड पेंटिंग के जनक माने जाते हैं, उनकी शैली की चीज़ें ही है। टेक्निकली कुछ शाम की पेंटिंग है, जो पाटनगढ़ की फेमस कलाकार हैं, फेमस चित्रकार हैं, और ऐसे ही आपको कुछ कुछ पेंटिंग्स में प्रयोग मिलेंगे जो बाकी उनके जो और कलाकार हैं उन लोगों ने किया है, लेकिन जो शैली है वो पाटनगढ़ शैली ही है। इससे दो चीज़ें, एक तो शहर साफ सुथरा है, कलात्मक शहर लगता है, और दूसरी बात कि जहाँ जहाँ भी पेंटिंग्स हैं तो जो दीवार पे अक्सर लोग पान खा के थूकते हैं या तमाम तरह की गंदगी करते हैं, वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी आपको। पूरा शहर या पूरे शहर की जो दीवारें हैं बाहर की, वो साफ सुथरी हैं, और अगर कलात्मक पूरा शहर है तो मन भी अच्छा रहता है और बाकी लोग गंदगी भी नहीं करते। अब देखेंगे लगातार पूरा पेंटिंग से पूरा शहर भरा पड़ा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि आमतौर में लोगों को लगता है कि सिर्फ कलेक्टर बंगले के पास या चिन्हित जगहों पर लोग पेंटिंग कराते हैं और कोटा पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर तो हमने देखा ही, हम चाहते हैं कि पूरे शहर का एक भ्रमण करते हैं, थोड़ा सा करते हैं जितना हमें हो सके वॉक करके। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लगातार पेंटिंग है, और कौन कौन सी पेंटिंग है, कौन कौन से कलाकार हैं, उसका क्या इतिहास है, ये सब नरेंद्र भाई आपसे बताएंगे। जितने भी यहाँ लोग कलाकारों की पेंटिंग से लगभग परिचित के हैं, क्योंकि पाटनगढ़ एक ऐसा डिंडोरी का इलाका है, और उमरिया के बहुत सारे कलाकारों की यहाँ पेंटिंग है, बघेलखंड की भी, पाटनगढ़ जो डिंडोरी के इलाके में आता है वहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं, तो उन कलाकारों ने पूरे शहर को रंगा हुआ है, पूरा बनाया हुआ है। ये दिनेश की पेंटिंग है जो हमारे यहाँ भी आए थे बनाने के लिए, ये उमेश सिंह पट्टा, इन्हें पिछले साल अवार्ड दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, उनकी पेंटिंग है ये, और बहुत सारी पेंटिंग है। ये सारे लोग पाटनगढ़ के हैं, जो पाटनगढ़ शैली एक अलग ही तरह की शैली है जंगल से श्याम की, तो वो अलग तरह से दिखता है उसका स्टाइल, तो पूरा पाटनगढ़ का पेंटिंग है, और आपको शहर के बाहर भी इस तरफ भी पूरे पेंटिंग मिलेंगे। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग उसको गोंडी पेंटिंग भी कहते हैं, तो जनगण सिंह श्याम और गोंडी पेंटिंग में क्या अंतर है, या तो उसी का ये मॉडर्न वर्जन है, ये जानना चाहते हैं। दरअसल जनगण सिंह श्याम ने पहले भित्ति चित्र बनाते थे, दीवार पे जो वो लोग चित्रकारी करते थे, गोंड या फूल घसिया, ये तमाम लोग करते हैं चित्रकारी की, मिट्टी से ही कुछ कुछ आकृतियाँ बनाते हैं दीवार पे। स्वामी श्रीनाथन जी जब भारत भवन बना, जो पहले उसके वो डायरेक्टर बने, तो उन्होंने पहला प्रस्ताव रखा कि हम स्थापित कलाकारों से काम नहीं करवाएंगे, हम ऐसे कलाकारों से काम करवाएंगे जो लोग के हैं, उन्हें निकाल कर लाएंगे, और जिस उद्देश्य से भारत भवन का स्थापना की गई थी कि जितने भी कलाकार जो समाज में हैं, जो गांव में हैं, जो लोक में हैं, उनको निकाल के लाएंगे, स्वामी श्रीनाथन जी ने वही किया, और वो गांव के यात्रा पर निकल के अपनी बहुत सारी टीमों को अलग अलग जगह पे भेजा, जिसमें से पाटनगढ़ भी एक था, और वहाँ से जनगर सिंह श्याम जैसे हीरा को निकाला, उन्होंने सिखाया क्या, जो उसको बनाते थे उसको चित्र रूप में कैनवास पे कैसे उतारा जाता उन्होंने बताया। और जनगर सिंह श्याम तो आप सभी जानते हैं, दुनिया के सबसे फेमस गोल्ड पेंटर हैं, और गोंडी पेंटिंग तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वही शैली है जो जनगर सिंह श्याम की है, या जो जातिगत जो शैली है, और गोंडी पेंटिंग में बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं,
भोपाल में गोल्ड पेंटिंग के या पाटनगर शैली के तमाम सैकड़ों कलाकार हैं, जो जैसे राम भैया हैं, उमेश सिंह पट्टा हैं जो यहीं रहते हैं, चंद्रकली कुशाम हैं, और भोपाल में भी बहुत सारे हैं, वेंकट भैया हैं, तमाम लोग हैं जो राष्ट्रीय अवार्ड हैं, पूरे दुनिया में जा जा के काम कर रहे हैं, वो उमरिया में देखने को मिलता है। इससे ये भी होता है कि विशेषता क्या है क्षेत्र की, वो दिख जाती है। जैसे कोई इंटर करता है रेलवे स्टेशन से, तो इस क्षेत्र की क्या विशेषता है, क्या कला है, वहीं से दिखनी शुरू हो जाती है। कलामय एक माहौल बन जाता है और शहर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से एक कलाकार के नज़रिए से शहर में इंटर करता है, पूरी तरह से जीवंत होता है, उसे देखता है। और इसके शहर के बाहर तो पूरा गांव लगा हुआ है और इसी के कलाकार मिल जाते हैं। तो शहर भी अछूता नहीं है, शहर में भी किसी तरह का कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए पूरे शहर को एक तरह से रंगा गया है, स्वच्छ बनाया गया है। आपको कोई भी दीवार बिना पेंटिंग की नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ही अद्भुत है। साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं, जहाँ पर ये पेंटिंग बनी हुई है, इन पेंटिंग्स में बहुत सारी कथाएं छुपी हुई हैं, क्या उन कथाओं का जिक्र करेंगे? एक दो कथाएं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर उज्जैन में जो महाकुंभ हुआ था, उस सब्जेक्ट को लेके यहाँ पर पेंटिंग की गई है महाकुंभ की। उसके बाद कुछ फोक पेंटिंग्स हैं, तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर बताएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। जो अभी गोंड पेंटिंग के अलावा अदर पेंटिंग बनी है, जिसमें प्रयोग हुए से महाकाल वाले, ये नए लोगों ने बनाया है। ये शैली गोंड पेंटिंग की नहीं है, लेकिन एक का जो बदलता स्वरूप, मॉडर्न स्वरूप है गोंड पेंटिंग का, जो स्टाइल है रंग भरने का, वो लगाने का, वो वाला कि दिख जाएगा आपको। जैसे कि आप बताइए थोड़ा सा, जैसे ये उमेश सिंह पट्टा जो हम पिछले बार देख के आए थे, उनकी पेंटिंग है ये। गोंड पेंटिंग का ये जो आपको दिख रहा है, ये बारीकी जो होता है, ये गोंड पेंटिंग का स्टाइल है। और ये चीजों को मिक्स करना, ये कोई और भी जानवर है लेकिन उसके पीछे पेड़ है, कैसे वो जनजीवन को, प्रकृति को एक से दूसरे से मिक्स करते हैं। कि अगर चिड़िया है, उसका पंख में डाल होगा, डाल पे दूसरे चिड़िया बैठी होंगी, कैसे वो जीवन चलता है एक दूसरे से, वो पूरा एक प्रकृति का माहौल मतलब पेंटिंग में उतारते हैं। और कहते ये भी हैं कि जो यहाँ की बाना गायकी है, जो गोंड जाति के प्रधान लोग गाते हैं, तो यहाँ के लोग और यहाँ को देखने को ये मिलता है कि बाना गायकी जो है बदली है चित्रकारी में। जो बाना गायकी गाथाएँ थी वो चित्रकारी में बदली, और कालांतर में जब बाना गायकी में वो गाथाएँ कम होने लगी, चित्रकारी में आ गई, तो चित्रकारी से फिर से उन्हें लिया जा रहा है। तो एक गाथा कैसे यात्रा कर रही है, कैनवास पे कैसे उतरी, गाथा कैसे कैनवास पे उतरी और कैनवास से फिर कैसे कलाकारों के पास जा रही है, इसकी अद्भुत यात्रा है। जितनी भी पेंटिंग्स हैं बाना गोल्ड पेंटिंग की, ये देखने को मिली। ये भी कहा जा सकता है कि जैसे कविताओं में अलग अलग बिंब होते हैं, ऐसे ही अपने आप में ये कविता है, अलग अलग बिंबों को प्रतिनिधित्व करती है, अलग अलग जो सोसाइटी में विद्रोह के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, श्रृंगार के स्वरूप हैं, उनको प्रतिनिधित्व करती है, उनको बताती है। हम बात करते हैं कि रंगमंची तत्व कैसे हैं, तो रंगमंच तत्व का सबसे अच्छा उदाहरण यही है पेंटिंग की। जैसे ये पेंटिंग जो है, ये जली भारती श्याम, यही जंगल वहीं की है पाटनगढ़ की। ये जनजीवन का एक है, चक्र भी है, कैसे चलता है पूरा वर्णन भी है और उसका स्टाइल भी है। तो बहुत सारा पुनरावृत्ति भी होती है गोंड पेंटिंग में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वेंकट सिंह श्याम है, बज्जू भैया हैं, भोपाल में रहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं और प्रतिष्ठित लोग हैं। और यहाँ भी ज़बरदस्त काम हो रहा है। पाटनगढ़ एक ऐसा गाँव है जहाँ 300-400 कलाकार लोग हैं, तो मतलब हर घर में कलाकार, घर में कम से कम 4-5 कलाकार, मतलब टोटल व्यवसाय ही वही है, मतलब अपने आप में वो लोक कला ग्राम है, पूरा लोक कला ग्राम है। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि वो जीता जागता म्यूजियम होना चाहिए। बाकी शहरों में या राजधानियों में म्यूजियम बनाने के बजाय ऐसे छोटे छोटे गांव जहां कलाकारों से भरा पड़ा है, सीधी का भी ऐसा ही गांव, 3-4 गांव जिसमें बकवा प्रमुख है, हम लोग कहते हैं कि वो हब है सारे कलाकार बकवा के, कलाकार गुदुम बाजा के हों, चाहे नगरिया के हों, चाहे शैला के हों, कर्मा के हों, पूरा गांव कलाकारों से भरा है। ऐसे जो गांव हैं वो हमारे लिए आदर्श स्वरूप हैं, उन्हें हमें चाहिए कि वहां काम करें, और सरकार को भी चाहिए कि उन्हें म्यूजियम बनाए, लोग दूर दूर से उन्हें देखने आए, उस गांव को देखने आए। वैसे पाटनगढ़ भी है, उसके सब कलाकार जितना भी आपको दिख रहा है, उन्हीं के सब कलाकारों का काम है। उमेश सिंह पट्टा, इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, चंद्रकली कुशाम, ये बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं। आगे चलते हैं, शहर का हम एक हिस्सा घूम कर आ रहे हैं, दोनों तरफ जितने भी बॉल हैं दोनों तरफ पेंटिंग, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं।
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ सारे दर्शकों को दिखा पाएं कि दोनों तरफ हम एक तरफ तो नजदीक हैं एक तरफ दूर हैं। एक साल हो गए हुए। हाँ। दीवार अभी ऐसी कैसी है, साफ सुथरी है। हाँ। अगर पेंटिंग्स नहीं होती तो मुझे लगता है कि अब तक ये दीवार खराब हो गई होती। हाँ। गंदी हो जाती, लेकिन अभी जस्ट की तरफ है और इसके कारण साफ सुथरा माहौल बना हुआ है शहर का जी। और ये बांधवगढ़ से लगा हुआ इलाका है, टूरिज्म का है, तो उसके हिसाब से भी जैसे इंटर करते हैं रेलवे स्टेशन से तो लगता है कि हाँ किसी कलात्मक शहर में पहुँच गए, किसी ऐसे प्राकृतिक प्रदेश में पहुँच गए, या ऐसे जिले में पहुँच गए जहाँ प्रकृति का चीज़ें देखने को हरी भरी सब कुछ मिलेगा, कलात्मक स्वरूप मिलेगा। उसके हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। मुझे लगता है कि हर शहर में ये काम होना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी ईमानदारी से काम होना चाहिए। जिनके प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, जिनके बाहर की दीवार, उन्हें भी काम करवाना चाहिए। ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम में ये लोग काम कर रहे हैं, हमें तो उनको बढ़ा के पैसा देना चाहिए और अच्छे से करवाना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। जहाँ कार्यक्रम है, बघेलखंड का अपना है, डिंडोरी का अपना है, सबको मिला के पूरे शहर को रखना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए। और हम सबको ये पहल करनी होगी अपने अपने हिस्से से, अपने अपने पैसे से अपना अपना घर तो कम से कम रंगवाएँ, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएँ। अच्छा, आप तो पूरा देश घूम रहे हैं लगातार इतने वर्षों से, अलग अलग शासन प्रशासन से तालमेल बैठता रहता है, एक कलेक्टर इस तरह से पहल करे, ये कोई नई बात नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं लगती है, और ख़ासकर ऐसे लोक कलाकारों को तवज्जो देना। मुझे लगता है कि जब कोई अगर करता भी है किसी शहर में तो बड़े कलाकारों को या शहर के जो कॉपी करते हैं उन कलाओं को ऐसे लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी करने वाले हैं मुझे लगता है कि अमूमन 90% गाँव के कलाकार जो उसके स्पेशल लोग हैं वो हैं। ऐसे शहर में कॉपी करने वाले या तमाम अलग अलग लोग जो करते हैं उनको नहीं बुलाया गया था, कम ऐसा है। और जो अगर दिख रही होंगी आपको जो पेंटिंग ऐसी, तो समझ लीजिए कि वो ऐसे ही कलाकारों ने बनाया। जैसे ये आपको गोल्ड पेंटिंग है, ये प्रॉपर गोल्ड पेंटिंग ट्रेनिंग में सिंह पट्टा की ट्रेनिंग जैसा। हाँ। कुछ दिख रहा है, माँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। ये जो पेंटिंग्स है ये रिचुअल्स नहीं, अनुष्ठानिक नहीं है, ये गोल्ड पेंटिंग का नमूना नहीं है। हाँ। आप वो देख सकते हैं, गोल्ड पेंटिंग है, ये बारीकी देख सकते हैं। हाँ। कलर कैसे इतना ज़बरदस्त काम किया गया इन पर। हाँ। लेकिन उसके बगल में जो पेंटिंग है ये किसी नए कलाकार ने बनाई है, प्रयोग है इसमें, एक्सपेरिमेंट है। हाँ। लेकिन गोल्ड पेंटिंग का जो स्टाइल है वो बघेलखंड की बहुत सारी पेंटिंग का स्टाइल है, ये बघेलखंड का है। उमरिया जिले के बहुत सारे कलाकार जो उनका ये कोई अनुष्ठान जैसा कुछ है क्या? हाँ, ये बघेसुर बाघ की पूजा आराधना का है, और शिव हैं और अग्नि देवता हैं। हाँ। और प्रकृति है, सांप है, ये सब थोड़ा सा एक कहानी स्टोरी है, स्टोरी मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही, यहीं की है, उमरिया का स्टोरी है ये। यहाँ दो तरह की पेंटिंग्स हैं, बैगा और गोंड। हाँ। बैगा जो उमरिया के हैं वो अलग तरह की पेंटिंग बनाते हैं, और ये सारी बैगा पेंटिंग्स हैं जो आपको दिखा देखने को मिल रही हैं। और गोल्ड पेंटिंग में अलग ही आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से पूरा शहर पेंटिंग से सजा हुआ है। ये एक पेंटिंग बहुत ही शानदार दिख रही है, ये गोल्ड पेंटिंग नहीं है। हाँ, ये कुछ शैली की नहीं, मॉडर्न स्टाइल का डिज़ाइन किया गया। हाँ। फिर भी अच्छा, इसमें बच्चों को सीखने लायक क्या है, क्या मिल सकता है बच्चों को? जैसे मधुबनी पेंटिंग फेमस है, गोल्ड पेंटिंग भी फेमस है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग जिस तरह से जन जन में फेमस है उसी तरह से ये भी फेमस हो सकती है। बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं इस पर, और हालांकि काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उतना काम नहीं कर रहे हैं, समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है या शासन प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी आवश्यकता है। अगर हर शहर में हर शहर ऐसा काम करवाए तो कलाकारों को रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, और नई जो पीढ़ी आ रही वो भी सीखेगी। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड पेंटिंग है तो गोल्ड पेंटिंग के कलाकार ही उस पेंटिंग को बनाएंगे, बाकी लोग भी सीख सकते हैं, उसका विकास ही होगा, वो बढ़ेगा ही, समृद्ध ही होगा। तो वो तो तभी आएगा जब उनकी पेंटिंग शहर में दिखेगी। अगर किसी के घर में दीवार पर उसकी छोटी सी पेंटिंग लगी है तो उससे कुछ सीखने वाला है नहीं। अगर शहर शहर में गली गली में हर जगह उनकी पेंटिंग्स बने तो लोग सीखेंगे। हाँ। और उससे आगे बढ़ेगा। और हम चाहे जाएं वहाँ उनके आर्ट गैलरी से या वहाँ जाकर के दो चार पेंटिंग खरीद लें, और ऐसे लोगों से खरीद लें जो वहाँ सस्ती पेंटिंग खरीदते हैं, बाहर जाके भोपाल ऐसे शहरों में बड़े महंगे दाम पे वो पेंटिंग खरीद लेते हैं और अपने घर में लगा लेते हैं।
इसके नाम पे सी गोंड पेंटिंग है, आदिवासी फॉर्म है, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करते कि जिन फॉर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं लोगों से कि हमारे घर में पेंटिंग लगी हुई है, उन कलाकारों से मिलें, उनसे और काम करवाएं, प्रोत्साहित करें या आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी सिखाने का मौका दें। हमें इस पर काम करना आवश्यक है, और यह ये नहीं कि इसे म्यूजियम टाइप से या सौंदर्य के रूप में घर में लगाने तो पूरे शहर में लगाइए इस पेंटिंग को, तब जाके उसका विस्तार होगा। विस्तार होगा तो हम देखते देखते पूरा शहर लगभग राउंड मार चुके हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से फिर से वापसी हो जाए और इस तरफ का वॉल दिखाया जाए, क्योंकि ऐसे घूमते रहेंगे तो रात हो जाएगी, अंधेरा भी होने वाला है ना। ये शहर का एक हिस्सा था, एक रोड का था, ऐसे चारों तरफ जहाँ जहाँ भी वॉल्स हैं। ये कुछ प्रतिबिंब रूप से ये पेंटिंग कुछ कहना चाहती है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये मॉडर्न किसी नए लड़के ने काम किया, नए लोगों ने काम किया। ये राजा पेंटिंग का स्टाइल नहीं है। हाँ, गोल्ड पेंटिंग का स्टाइल तो आप देख ही चुके हैं, वो अलग ही तरह का है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि एक ही स्टाइल होना चाहिए कि वैरायटी में होना चाहिए? स्टाइल पेंटिंग्स के जो उसके मायने हैं, जो जो कहानी है, वो कहानी अलग अलग हो सकती है। हाँ, लेकिन जो उसकी शैली है, हाँ, शैलीगत जो विशेषता है, हाँ, वो नहीं बदलनी चाहिए। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारी नई कहानियों को जोड़ा जाता है, लेकिन उसकी जो शैलीगत विशेषता है, हाँ, वो नहीं बदल रही। हाँ, तो यहाँ भी होना चाहिए। और जैसे उमेश सिंह पट्टा लोग को भी उसी पेंटिंग है जनगढ़ सिंह श्याम स्टाइल में काम करें, लेकिन जैसे भज्जू सिंह श्याम, वेंकट सिंह इन लोगों ने कमाल का काम किया है। गूगल पे आप इनकी पेंटिंग सर्च करेंगे तो कमाल की हैं, थोड़ा सा हट के काम किया है, नया रूप दिया है गोंड पेंटिंग को। तो उस तरह का विकास होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए, बेफालतू या इस तरह का नहीं होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो उन जैसा करना चाहिए, उन्हीं की पीढ़ी के लोग हैं, उनके नाती पोते हैं, कमाल का काम किया है उन लोगों ने। हाँ, आप गूगल पे देख सकते हैं। ये अभी एक पेंटिंग देखने में आ रही है कि एक मगरमच्छ है और उसकी जीभ पर इतने सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये तो उत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब कि जनजीवन जो है जानवरों से भी मिलजुल कर खुशी के साथ रहा जा सकता है, इसका प्रतीक हो सकता है कि उनको डर नहीं लग रहा है, या जो भी हो एक्स वाई जेड या दूसरा भी कुछ मतलब हो सकता है, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? वो गोंड पेंटिंग ज़्यादा ऐसी होती नहीं है कि उसमें मतलब ज़्यादा देर से समझ में आए, बहुत कुछ खुला खुला सा होता है और एक तरह का ही होता है, उसमें प्रकृति से ज़्यादा होता है, तो प्रकृति की सारी चीज़ें हैं और वो साफ साफ दिख रहा है कि जनजीवन कैसे गुला मिला है वातावरण से, जानवर प्रकृति से। इसके संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं कि ऐसा इलाका हुआ करता था जहाँ मयूर, सिंह और हिरन एक साथ पानी पीने जाते थे, क्या हुआ रहते थे। इसमें कोई गीत भी मैंने सुना है कि ऐसा कोई एक गीत है, आही मयूर मृगबाग करके, एक पूरा गीत मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताएंगे बघेलखंड के बारे में कि यहाँ जितने भी जलाशय हैं जो भी हैं वहाँ सिंह, मयूर और हिरन एक साथ पानी पीने जाते थे, एक साथ विश्राम करते थे। तो उस तरह का माहौल वाला यह जनजीवन है जो गोंड पेंटिंग में या वेगा पेंटिंग में या और तरह की जो कोल जाति के भूमि चित्र या भित्ति चित्र होते हैं या काष्ठ शिल्प हैं, बांस शिल्प, उस सब में दिखता है। वो गीत अगर याद हो तो थोड़ा सा अगर गुनगुना दे। याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, वो गीत है बघेलखंड के बाण भट्ट ने लिखा है। हाँ, जो महाकवि बाण भट्ट ने लिखा है। हाँ, कादंबरी में हर्षचरितम में। अच्छा, हर्षचरितम में रचना की है तो उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, जहाँ मंदिर है शिव का। हाँ, ये अपने सीधी के पास चंद्रे है, चंद्रे का मंदिर है जो। अच्छा, चंद्रे भ्रमर शैल है जो एरिया। हाँ, भ्रमर सेन जिसे कहने लगे हैं, उस इलाके के संबंध में उन्होंने कहा है कि वो ऐसा इलाका था। हाँ, दर्शनीय इलाका था, तपस्थली थी। हाँ, तो वहाँ एक दूसरा जानवर या इंसान या ऐसे मतभेद नहीं था, जानवर इंसान के बीच में ठीक तरह का ताल मिला। हाँ, एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे। हाँ, तो उस तरह के है वो था। हर जगह बघेलखंड में देखने को मिल जाती है जो उन्होंने कहा है। हाँ, इस तरह से यहाँ का माहौल ही था कि आदिवासियों का इलाका था, जंगल पूरा सुख समृद्धि से भरा हुआ था। तो वो जो सुख समृद्धि है वो उनके अभिव्यक्ति में, उनकी कविताओं में या उनके लोक गीतों में सब में निकल के आती है, इससे तमाम सारे गीत। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो कोने कोने में अंदर अंदर तक, हमें तो लग रहा था कि सिर्फ मार्केट में ही चारों तरफ किया गया है, लेकिन ये तो अंदर अंदर तक चारों तरफ पेंटिंग की गई है। दूर से देखने में बहुत ही मोहक लग रही है ये वॉल।
इवन ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है पर्सनल बिल्डिंग है किसी की, शायद सरकारी बिल्डिंग नहीं है जी, जी तो उन बिल्डिंग्स में भी काम हुआ है बहुत सारा। हाँ, हाँ। और जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, जहाँ तेल गिरता रहता है, कचरा गिरता रहता है, इवन उस दीवार को भी नहीं छोड़ा है, सबको पेंट किया है जी। एक तरह से तो एक मैसेज भी है कि आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसे खराब नहीं करेंगे। चोर को कोई चीज सौंप दी जाए तो वो सुरक्षित नहीं रखेगा। हाँ। वैसा यहाँ है कि हर दीवार को रंगो, चाहे जो गंदा करता है उसके घर के पहले रंगो। नालियों के किनारे की दीवार मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखा है कभी भी कहीं भी कि वो इस तरह से खूबसूरत हो। ये एक दुकान दिख रही है, वहाँ पर भी कुछ पेंटिंग करने की कोशिश की गई है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बताइए। यही लगता है कि हमारे शहर सीधी में हाँ। जितने भी हैं मध्य प्रदेश के शहर, इवन हाँ। भोपाल में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती है मुझे हाँ। वो गोंड पेंटिंग नहीं है, कुछ और ही दिखता है या हाँ। जो पेंटिंग्स से जो फॉर्म है हाँ। जो ट्रेडिशनल फॉर्म है वो नहीं दिखते हाँ। चाहे हम पॉलिटेक्निक चौराहा की बात करें, वहाँ कुछ कुछ पेंटिंग्स की गई है जी। और इधर एरिया की बात करें जहाँ मेन रोड पथ है भोपाल का, वहाँ भी जो पेंटिंग्स हैं वो हमें ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं दिखते। मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल फॉर्म पे काम होना चाहिए। तो जो लोक कलाकार जिनके हम उद्धार की जिनके बात करते हैं, तो सच में उनका उद्धार करें भी उनके लिए काम भी करें, उनके लिए यही हो सकता है काम। हम योजनाएं बना के उनके लिए काम नहीं कर सकते हाँ। काम उनको सीधा ऐसे ही मिल सकता है, ऐसे ही काम दे सकते हैं हाँ। तो हाँ ये है कि नए लोग आएंगे और ज्यादा आएंगे हाँ। आप 50 काम देंगे तो अगली बार 100 काम आएंगे हाँ। लेकिन काम तो उसी के लिए कर रहे हैं ना, तो एक तरह से संस्कृति का विकास तो हो रहा है ना। सही बात, तो विकास का तो यही फंडा, यही ऐसा ही करना पड़ेगा हाँ। ये देखिए आप सामने भी देख रहे हैं, छोटे छोटे वॉल्स में भी काम किया गया है। मतलब एक पूरी रणनीति के तहत पूरे के पूरे शहर को कलात्मक बना दिया गया है। विनाश की रणनीति के बारे में तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन ये कलात्मक रणनीति पहली बार देख रहा हूँ, जो बिल्कुल ही आनंद से भर गया हूँ मैं एकदम। पूरा उमरिया एक तरह का है हाँ। आपको नई नई चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये खूबसूरत एक बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग, ये शेर भी लग रही है, एक महिला भी लग रही है। ये कौन सा, ये शाही पंछी है कि कोई और पंछी है? ये गोंड पेंटिंग के कथानक हैं, वो कथानक पढ़ने के बाद में ही समझ में आते हैं हाँ। इनके पीछे क्या कथानक है हाँ। और एक ये ज़बरदस्त काम भी है कि जो पेंटिंग देखता है अगर रुकता है तो उसे लगता है कि क्या कहता है इसके बारे में जाने में। इस तरह से आपके लोक संस्कृति का आपके एक सांस्कृतिक जिज्ञासा, जो जिज्ञासा वो तो बढ़ती है, आपका एक जो सांस्कृतिक परिदृश्य है हाँ। वो इंटर करते ही दिख जाता है हाँ। कि क्या क्या कथानक हो सकता है, क्या क्या लोक में हो हाँ। सकता है, वो सब कुछ है हाँ। तो एक तरह से जैसे हम किताब किसी चीज़ के बारे में बनाते हैं हाँ। किसी साहित्य हाँ। करते हैं, वो साहित्य हाँ। हर दीवार पे है। चलिए कि किसी और गली में घुस के देखते हैं, सामने एक गली है जिसमें भी मुझे लग रहा है कि इन गलियों में भी काम किया गया है। पूरा का पूरा पूरे शहर में है, कुछ भी नहीं छुटा हुआ है। जितने भी आपको दीवारें मिलेंगी जहाँ शहर के आसपास दोनों रोड के दोनों तरफ या अंदर भी जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं या प्राइवेट बिल्डिंग, जहाँ वॉल दिखती है बाहर से सड़क के किनारे, हर जगह काम किया गया है। क्या बात है। और इसका यही है कि देख लीजिए आपको कचरा नहीं दिख रहा, अंदर अंदर क्लीन किनारों पर भी बिल्कुल साफ सुथरा है हाँ। और पेंटिंग्स के कारण है, अगर पेंटिंग्स नहीं होती लोग वहाँ कचरा फेंक देते या पेशाब करते या थूकते, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही। इससे फ़ायदा ये भी हुआ कि अभी एक साल हो गया, मुझे लगता है कि अभी 3 दीवारों पे कोई काम नहीं होगा, कलर नहीं होगा, तो जस की तस रहेंगे। 3-4 बाद फिर से इन पे काम किया जाएगा, करके फिर दूसरा हो जाएगा, 3 के लिए मुक्त हो जाए। नहीं तो साल पेंटिंग कराना, दीवारों को पोतना या लोगों का किया हुआ कचरा हटाना, ये सब करना पड़ता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं और सांस्कृतिक माहौल और एक तरह सा कलात्मक माहौल तो बनता ही है, सबको देखने को मिलता है, शहर की पहचान होती है, लोगों की पहचान होती है। जब काम होता है तो शहर के साथ साथ जो बाहर से लोग आते हैं उनमें परिवर्तन होता भी है, साथ साथ वहाँ के लोगों में भी परिवर्तन होता है कि हमारे बीच का ये है, हमारे गांव में है, हमारी संस्कृति जो हमारे शहर में है दीवारों पे है, तो उसे हम नुकसान ना पहुँचाए। कहीं ना कहीं धीरे 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 वो जो हम बदलने की बात करते हैं, मानसिकता बदलने की, वो मानसिकता ऐसे ही बदलेगी, इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं।
और ये ज़बरदस्त तरीका मुझे लगता है और धीरे धीरे लोग परिवर्तित हो भी रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने साल भर से पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उन्होंने गंदा नहीं किया, तो समझ जाइए कि मानसिकता में लोगों को चेंज हुआ है। इसका मतलब कि ये शहर बहुत सेंसिबल है अपने फॉर्म्स को लेके। फॉर्म्स को लेके हुआ, उसे बनाया गया। अच्छा, शायद पहले ना रहा हो, लेकिन ये सब करने के बाद उसे लगा कि ये हमारे लिए हुआ है, हमारे शहर के लिए हुआ है, तो हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और आम लोगों की है। तो आपको क्या लगता है कि जैसा जैसे अभिषेक सिंह जी कलेक्टर थे, वैसे ही कलेक्टर हर जगह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। अगर वैसे ना भी हों तो ऐसे बनने की कोशिश करें, ताकि अगर अगर शहर अच्छा होता है तो उन्हीं का नाम होता है। और प्रयास करना चाहिए आम जनता को भी, अगर वो अपने स्तर पर प्रयास करें कि मेरे घर का जो बाहर का जगह है कितनी खानों में होगा, मान लीजिए 6,000-7,000 अगर बाहर का आपका खर्चा आता है, तो एक आप मुक्ति हो जाएगी 3-4 साल के लिए, आपको सुंदर लगेगा, तो धीरे धीरे असर पड़ेगा। दोनों चीज़ हो सकती है, शासन प्रशासन के श्रम से या शासन प्रशासन के निर्देश से आम जनता भी लेवल पे आ सकती है, सुधर सकती है, या कहें कि उनकी मानसिकता चेंज हो सकती है। आम जनता के कारण भी शासन प्रशासन चेंज हो सकता है, दोनों पहलू हैं। अब दोनों में से कौन पहले जिम्मेदारी उठाता है, कौन शुरू करता है काम, ये देखने की बात है। सीधी में भी ऐसा होना चाहिए, हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कल्पना सीधी में हुई थी, जब पहले हमारे सीधी में पहला जो फेस्टिवल हम लोगों ने बड़ा किया था, उसके बाद हाँ महाउर में प्लान था कि महाउर है पूरे शहर में हो, महाउर जो पैरों में लगाते हैं, एक तरह की संस्कृति है, रंगों की संस्कृति है, तो पूरा शहर रंगना चाहिए। वो हो नहीं पाया क्योंकि अपने अकेले खर्चे से हो नहीं सकता, पहल की गई थी और अभी महाउर होने वाला है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे हम करते हैं वो तो खूबसूरत करें और सब लोग करें, अगर मदद करते हैं तो पूरा शहर खूबसूरत हो सकता है, कलात्मक दिखने लगेगा। ये तो बहुत ही मज़ा आया, मतलब एकदम आनंद से दिल गार्डन गार्डन हो गया है, और गार्डन में ही हम लोग पहुंच गए हैं, और हमें लग रहा है कि गार्डन के बीच में एक यहाँ पर कुछ इमेज बनी हुई है, इसमें भी पेंटिंग कर दी गई है, मतलब कोई कोना नहीं छोड़ा गया, मतलब सिर्फ मौका मिला, जगह मिली और यहाँ पेंटिंग हो गई। ग्रीनरी के साथ साथ ये चित्र जो हैं, 4 चांद लगा रहे हैं ग्रीनरी में, शहर के सुंदरता, और ऐसा हर शहर में होना चाहिए। जब सामने से उधर निकलते हैं, गाड़ी आ रही है, 1 मिनट रुक के चलते हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सीधी में भी एक ऐसा कलात्मक परिवर्तन होगा जिससे पूरा का पूरा सीधी एक दिन कलात्मक रूप से बदल जाएगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब पूरा सीधी जिला साथ हो। इधर बहुत वाहन है, ये बहुत ही लगातार गाड़ियां आ रही हैं, आवाज़ सुनाई देने में भी दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं से हम लोग लौट चलें। ठीक है, हर स्तर पर प्रयास हो, हॉस्पिटल वाले प्रयास करें, स्कूल जिनके प्राइवेट्स हैं वो प्रयास करें, जिनके कॉलेज हैं वो प्रयास करें, जिनके घर हैं बाहर की तरफ, जिनकी दीवारें हैं या बाउंड्रीज हैं वो प्रयास करें, अपने अपने स्तर पे प्रयास करेंगे, अपने अपने लिए करेंगे, तो पूरा शहर रंग जाएगा और खूबसूरत लगेगा। तो ये हम और नरेंद्र लगातार लगभग 20-25 मिनट से घूम रहे थे और पूरा का पूरा शहर देख रहे थे, और शहर की अद्भुत बेहतरीन गोंडी पेंटिंग जनगम सिंह श्याम जी इसका जो स्टाइल था वो लगातार वॉच कर रहे थे, और अभी बहुत ही आनंद से भरे हुए हैं और उम्मीद के साथ अलविदा कहते हैं कि सीधी में भी एक ना एक दिन ऐसा होगा, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में हर जगह इसी तरह कलात्मक माहौल बने। किसी की उमरिया जब कभी भी आए तो यहाँ कुछ सेंटर्स हैं जहाँ गोंड पेंटिंग के या यहाँ के कास्ट शिल्प, बांस शिल्प, मिट्टी शिल्प के काम होते हैं, और आपको नमूने उनके देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारा संग्रह मिल जाएगा। टिकुली कला केंद्र है उमरिया में ही संतोष द्विवेदी भैया का, और जनगढ़ सिंह श्याम के शैली पर ही जो काम करते हैं उनका, उनके आशीष स्वामी भी हैं, स्वामी जी हैं उनके संस्था का नाम है जिस पर काम करते हैं वो, चीन्हा आदिवासी, वहाँ भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, और बिल्कुल ठेठ गांव के किनारे गांव में है,
और यहाँ भी उमरिया तो गांव ही है, छोटा सा शहर है, उसके बाहर पूरा माहौल प्राकृतिक माहौल है गांव जैसा है। तो बहुत सारे कला केंद्र हैं और जन डिंडोरी तो जाएँ ही आप, पाटनगढ़ जनगढ़ से श्याम की भूमि है, जन्मभूमि है, और वहाँ का माहौल हर घर में आपको पेंटिंग्स मिलेगी, आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं और कलाकारों से ले सकते हैं। और उमरिया आइए तो एक दिन सिर्फ घूमिए दीवालों को देखने के लिए, क्योंकि इन दीवालों में अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, कथानक है, और लोगों से फ़ोटो खींच के बात कर सकते हैं, यहाँ के जो लोग परिचित लोग हैं जो गोल्ड पेंटिंग को जानते हैं उनसे बात कर सकते हैं कि इसके क्या कथानक, इसके पीछे कथानक क्या है, वो सब बताएंगे आपको। एक तरह से खुला साहित्य है दीवारों पे यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हम लोगों को देखा सुना, नमस्कार। नमस्कार।